Hey guys, welcome back to my channel once again. Fruits are one of the healthiest foods available in the planet. ये हम सबको पता है, right? But तब भी कई बार हम किस तरह से इसको खा रहे हैं, किस time पे ले रहे हैं, किस खाने के साथ ले रहे हैं, it makes a lot of difference. And इसीलिए fruits खाने के बाद भी हमारे कई बार जो nutrients हमारे body को मिलने चाहिए उससे हम deficient रह जाते हैं. So आज के इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आपको fruits किस time खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए और कौन से फ्रूट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं. सो स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू गेट ऑल द आंसर्स टुडे. ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टेक नंबर 6 से. हैविंग अ फ्रूट राइट आफ्टर द मील, मतलब आपने खाना खाया अपना अच्छे से पेट भरकर, उसके बाद बिकॉज हमें कुछ स्वीट्स खाने हैं बट बिकॉज वी आर ऑन अ वेट लॉस गोल हम फ्रूट्स खा लेते हैं. गाइज, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू बिकॉज फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है. हम जैसे ही फ्रूट खाते हैं इट डायरेक्टली गोज इन टू आर इंटेस्टाइन एंड इट गेट्स डाइजेस्टेड. हाउएवर, अगर आप किसी भी मील के बात लेते हैं, लेट्स से रोटी, चावल, सब्जी, दाल, चिकन, मटन, कुछ भी, इनमें होता है प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, फैट, जो कि ज्यादा टाइम लगाता है डाइजेस्ट होने में. इसलिए अगर आप खाने के इमीडिएट बाद फ्रूट्स लेंगे तो आपका फ्रूट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो आपके पेट में ही ट्रबल क्रिएट करेगा. एसिडिटी हो जाती है या आप ब्लोटेड फील करते हैं या बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे होते हैं. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई इट हैपेंस. सो प्लीज डोंट ईट फ्रूट राइट आफ्टर द मील. ओके, नाउ कम्स द मिस्टेक नंबर 5. क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है या हमें बाहर जाना है या हम बेसिकली लेजी हैं, हम फ्रूट्स को पहले से काट के और फिर स्टोर कर देते हैं. Guys, that's not a very good idea because fruits कटने के immediately around 15 to 20 minutes में आपको वो consume कर लेना चाहिए to get all the nutrients of that particular fruit. So guys, अगर हम इसको काट के store करके और बाद में खाएं, let's say सुबह हमने काट के रख दी और शाम को खा रहे हैं, first of all इसके सारे nutrients आपको definitely नहीं मिलेंगे. Secondly, इसका adverse effect हो सकता है because काफी fruits acidic होते हैं, तो आप उसको बहुत time अगर उसको काट के रख देंगे उसका एसिडिक लेवल और बढ़ जाएगा, विच विल क्रिएट ट्रबल इन योर स्टमक. सो प्लीज याद रखिए, फ्रूट्स को काटने के इमीडिएट विद इन 15 मिनट्स ट्राई एंड कंज्यूम देम. ऑलराइट, नाउ कम्स द मिस्टेक नंबर 4. काफी लोगों को मैंने देखा है दे प्रेफर फ्रूट जूस. गाइज, इट्स नॉट गुड. सबसे पहले तो वो पैकेट वाले जूसेस हमें कभी नहीं लेने चाहिए बिकॉज इट्स फिल्ड विद शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स. सेकेंडली, अगर आपको लगता है फ्रेश जूस बहुत ज्यादा हेल्दी है, सो ऑफकोर्स इट इज हेल्दी बट नॉट एज अ रॉ फ्रूट बिकॉज फ्रूट्स का जो सबसे हेल्दीएस्ट पार्ट होता है वो होता है उसका फाइबर. और जैसे ही आप फ्रूट का जूस निकाल देते हैं उसका सारा फाइबर निकल जाता है एंड इट ओनली रिमेन्स द शुगर बिकॉज फ्रूट में बहुत सारा शुगर कॉन्टेंट होता है विच इज ऑब्वियसली नेचुरल शुगर. बट देन आपने सारा फाइबर निकाल दिया एंड अगर यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, देन ट्रस्ट मी दिस फ्रूट जूस विल नेवर हेल्प यू टू गेट योर रिजल्ट्स. तो हमेशा ध्यान रखिए, फ्रूट को हमेशा रॉ फॉर्म में खाएं, ना कि जूस फॉर्म में. नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक इज वेरी वेरी कॉमन. क्योंकि हमें लगता है कि इम्पोर्टेड फ्रूट है तो इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे, कीवी हो गया या एवोकाडो हो गया या बेरीज हो गए या कोई भी एग्जॉटिक फ्रूट जो कि हमें मार्केट से मिल जाते हैं या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, दे आर हेविली प्राइज्ड, बट स्टिल हमें लगता है कि इसको खाते हैं हमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. गाइस, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, फ्रूट्स जो लोकली अवेलेबल हैं, जो सीजन में अवेलेबल हैं, सिर्फ वो ही फ्रूट्स खाएं. डोंट चूज द एग्जॉटिक फ्रूट्स ओवर दीज लोकल फ्रूट्स. ऐसा नहीं है कि उनमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं और इसमें नहीं होंगे. जो सीजनल फ्रूट है उसमें हमेशा ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं बिकॉज जो आपके घर के बाहर फ्रूट वाला बैठा है उसके पास वो फ्रूट आने में बहुत कम टाइम लगा होगा as compared to that imported fruit जो कि overseas पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से पैक होके आपके पास मिलता है. सो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑब्वियसली बहुत कम हो चुका होता है. ऑलराइट, ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर टू चूज अ लोकल फ्रूट एंड अ सीजनल फ्रूट. ऑलराइट, नाउ द मिस्टेक नंबर 2, ये बहुतों को नहीं पता है, नेवर टेक अ सिट्रस फ्रूट विद मिल्क. लाइक संतरा या मौसमी या जिसमें भी सिट्रस है, नेवर टेक दैट विद मिल्क प्रोडक्ट. ओके, बिकॉज इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं होता है. ये आपके पेट के अंदर जाके एब्सोल्युटली उल्टा इफेक्ट करता है एंड आपको हो सकता है बहुत ज्यादा हार्ट बर्न या गैस हो रही हो. सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर टेक एनी सिट्रस फूड अलॉन्ग विद मिल्क. राइट, नाउ द लास्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक, मिस्टेक नंबर 1 इज, क्योंकि फ्रूट बहुत ज्यादा हेल्दी है हम कभी भी खा सकते हैं, हम रात में भी खा सकते हैं. नहीं गाइज, यू शुड नेवर हैव फ्रूट्स इन द नाइट बिकॉज आफ्टर द सनसेट
एज पर द आयुर्वेदा ये माना जाता है कि हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटीज होती है टू डाइजेस्ट द फ्रूट या उसके जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है हमारी बॉडी की वो बहुत हद तक कम हो जाती है एंड इसलिए ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है एंड दैट इज द रीजन वाई समटाइम्स इट लीड्स टू वेट गेन एज वेल बिकॉज इसका जो नेचुरल शुगर कॉन्टेंट होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है एंड इट गेट्स एब्जॉर्ब इन योर बॉडी तो हमें लगता है हमने तो बहुत हेल्दी खाना खाया रात में बट इट वर्क्स एब्सोल्यूटली द अदर वे अराउंड राइट सो ऑलवेज रिमेंबर डोंट ईट द फ्रूट इन द नाइट नेवर सो गाइस ये थे वो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि हम अननोइंगली कर जाते हैं अब मैं आपको बताता हूँ आपको फ्रूट लेना कब चाहिए कैसे लेना चाहिए और कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए सो गाइस ऑब्वियसली कोशिश ये करिए कि फ्रूट को फर्स्ट हाफ ऑफ द डे ले रादर देन हैविंग इट इन द लेटर हाफ इनफैक्ट मैं अपने हर क्लाइंट को यही सजेस्ट करता हूँ कि स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद अ बोल ऑफ फ्रूट कोई भी फ्रूट जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं इसके दो फायदे हैं ऑब्वियसली आपका दिन ही शुरू हो रहा है विद सो मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन योर बॉडी सेकेंडली क्योंकि आपने फ्रूट खाया है और इसमें बहुत सारा फाइबर होता है एंड गुड कार्ब्स होते हैं इट विल कीप यू फुल फॉर लॉन्गर सो सेकेंडली आपको किस तरह से हाउ यू शुड टेक अ फ्रूट सो ऑब्वियसली इसको हमेशा रॉ फॉर्म में खाएं इसको प्लीज जूस निकाल के मत खाएं एंड थर्डली व्हाट फ्रूट्स कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जो लोकली ग्रो करते हैं एंड जो सीजन में हो बस ये तीन चीजें डेफिनेटली याद रखिए एवरी टाइम यू टेक अ फ्रूट ऑलराइट सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी अगर लगी हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड गिव मी अ थम्स अप इफ यू हैव लाइक्ड इट मिलता हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखिए अपना बाय फॉर नाउ